नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। गुना पुलिस को ऑपरेशन शिकंजा के तहत मिली बड़ी सफलता। जिले में अलग अलग जगह से 152 ग्राम इसमें 15 किलो गांजा सहित 200 लीटर तक की शराब बरामद की। नशे के बड़े सौदागर पुलिस गिरफ्त में। प्रस्तुत है गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाया जा रहा नशा मुक्त शहर अभियान अंतर्गत गुना जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने अलग अलग जगह पर नशे के खिलाफ छापामार कार्रवाई की, जिसमें राजस्थान से लगे हुए मिरगवास पुलिस ने बड़े स्मैक तस्कर को 152 ग्राम स्मैक के साथ धर दबोचा। वहीं कुमराज थाना अंतर्गत ग्राम पिपलिया से राम भरोसे शर्मा को 15 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। प्रस्तुत है गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। गुना जिले में मादक पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन शिकंजा काफ़ी व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। इसमें जो नशे के बड़े सप्लायर हैं, जो आसपास के राज्यों से सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं से ये माल एमपी में सप्लाई होता है। इसी दिशा में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ी मात्रा में स्मैक यहाँ लाई जा रही है, जो कि एमपी में अलग अलग थाना क्षेत्र में खपाई जाएगी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेची जाएगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी सघन चेकिंग लगाई गई, कुछ मुखबिरी प्राप्त हुई। ग्राम खेड़ी कला एम पगड़ी घटा, जो कि मृगवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके बीच में जब चेकिंग हो रही थी, वहाँ पर राजस्थान के हरनौदा का महेंद्र मीणा ये स्मैक लेकर आता हुआ पाया गया। 152 ग्राम स्मैक, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा होती है, 152 ग्राम स्मैक इससे जब्त हुई है, गाड़ी जब्त हुई है। और इसके साथ ये विकास मीना पुत्र निरंजन सिंह मीना, ये थाना चाचोड़ा, इनको पकड़ा गया है। और इसमें NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। ये एक अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। अगर इतनी स्मैक यहाँ आती तो निश्चित रूप से वो जो पीने वाले हैं उन तक पहुँचती और दोबारा उस दिशा में वो जाते। ये एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है। बड़ी मात्रा पकड़ी गई ताकि जो इसको ग्रहण करने वाले हैं वो उनसे दूर रह सकें, यही हमारा प्रयास है। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुमराज थाना क्षेत्र में एक अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि 15 किलो गांजा पकड़ा गया है। और ये गांजा ग्राम पिपलिया से राम भरोसे शर्मा के पास से मिला है। यह गांजा भी इस्तेमाल किया जा सकता था नशे करने वालों के द्वारा, उससे उनकी बचत हुई है। इस प्रकार हमारा जो ऑपरेशन शिकंजा है उसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, और जो नशा ग्रहण करने वाले हैं उनके साथ पूर्णतः संवेदनशीलता के पूर्व के साथ हम उनको मदद कर रहे हैं, उन्हें दवाएं दे रहे हैं। थाना कोतवाली से उनको दवाएं दी जा रही हैं, अन्य स्थानों से भी दी जा रही हैं। इनमें से अधिकांश ऐसे लोग हैं जो नशा छोड़कर अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है, और आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि कम से कम 10 से 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि ये इस तरह के स्मैक जैसे और चरस जैसे गांजे जैसे नशे को छोड़ दिया है। अभी लगातार ये प्रक्रिया जारी है। दोनों थानों से जो अच्छा कार्य हुआ है उसमें पृथक से पुरस्कृत किया जा रहा है।